जी हाँ, आज हजारीबाग में दिल दहलाने वाली घटना घटी है। बीती रात सरिया से पूरे परिवार एक अल्टो कार में सवार होकर हजारीबाग इलाज कराने के लिए आ रहे थे। इसी बीच टाटी झरिया के समीप एक ट्रक के चपेट में आने से 3 लोगों की घटनास्थल पर ही जलकर मौत हो गई और 3 लोगों की स्थानीय लोगों की मदद से जान बचाई गई। आप लोगों को बता दें कि यह घटना बीती रात 11 बजे की है, जो दिल दहलाने वाली है। आसपास के लोग लाख कोशिश करते रहे, लेकिन गाड़ी में आग लगने से नहीं रोक पाए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस प्रशासन को खबर किया गया। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, आग बुझाई। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और घटनास्थल पर 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। टाटी झरिया के पुल के पास इधर से ट्रक जा रहा था हजारीबाग की तरफ से, और वो हमारा अल्टो था, उसमें 5 आदमी था। तो वो ट्रक पहले पुल में मारा, पुल में मारने के बाद में उसका जब बैलेंस बिगड़ गया तो वो जब पलटी किया तो पलटो अल्टो के ऊपर ही सारा लोड उसके ऊपर चला। उसके बाद में देखिए तो वो उसका खलासी जिंदा था, तो खलासी हल्ला किया तो सारा लोड कोयला तो ढक गया था अल्टो, कोयला से ढक गया था अल्टो, तो पता नहीं चल रहा था कि यहाँ एक गाड़ी और है। लेकिन ड्राइवर को बचाने के लिए बोला कि यहाँ कौन है, तो बोला कि बस एक ही है। तो बोलो इधर से आवाज़ आ रहा है। फिर जब उन लोग पूरा कोड़ी उड़ी लाया और पूरा कोयला हटाया तब देखा अल्टो, और अल्टो से फिर 3 जन को निकाला। उन लोग बहुत मेहनत से, और 2 जन जो हमारा फंस गया वो स्पॉट डेड हो चुका था। उसको निकालते निकालते आग भी लग गया, उसके बाद कोई चारा नहीं चलने लगा, आग काफ़ी आसमान से बात करने लगा। उसके बाद में दमकल आया, आग पर काबू नहीं कर पाया। फिर पानी लाने गया दमकल, तब काबू हुआ है। उसके बाद बॉडी प्रॉब्लम वगैरह आया, उसके बाद बॉडी पूरा जल चुका था, थोड़ा बहुत बचा था, उसको निकाला। कुल कितने लोग जो मरे? एक मिनट। मेरे पास था नंबर, हम घर सट में छोड़ दिए। घर इधर तो ब्लॉग बना रहे हैं।